तो बात कर रहे हैं हम आपके साथ इसके ऊपर डेटा समराइजेशन फॉर्मूले के ऊपर, जिसमें हमने सामिज के बारे में बात की थी। इसमें कुछ और चीजें हैं जो एक बार जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पूजा का अगर टोटल सम चाहिए तो उसके लिए हम लोग सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि सम इफ पूजा को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी सिलेक्ट की यहाँ पे आ गया। बट मुझे पूजा की मैक्सिमम वैल्यू, पूजा की मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए 2016 से पहले चीजें तो नहीं थी, बट 2016 के अंदर में एक फॉर्मूला आया मैक्स इप्स का। जी हाँ, मैक्स इप्स लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो आपके सम इफ का फॉर्मूला है उसी की तरह बिल्कुल सेम। सम इफ्स के जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इसमें आपको देना होता है मैक्स रेंज, किसकी मैक्सिमम निकालनी है। तो मैंने मुझे बोला एफ कॉलम की मैक्सिमम निकालनी है, उसके बाद क्राइटेरिया की क्राइटेरिया किस में ढूंढना है, तो हमने बोला कि इस नेम में ढूंढना है। और क्राइटेरिया वन, पहली क्राइटेरिया क्या है, पूजा है, तो पूजा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे दिया। और सम इफ्स की तरह आप इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें मिन की, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लगाते हैं मिन एक्स का फॉर्मूला, मिन इफ्स का फॉर्मूले में हम यहाँ पे मिनिमम की जो जिसका रेंज निकालना हम उसका रेंज निकाल देते हैं। और इसके बाद हम क्राइटेरिया वन को सिलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया वन, ऐसे क्राइटेरिया टू थ्री फोर, ये आपकी मिनिमम वैल्यू निकल के आती है। पर आप ओवरऑल मिनिमम मैक्स और मीन निकालना है तो हमारे पास मैक्स का फॉर्मूला होता है जो कि ओवरऑल रेंज का मैक्स निकालता है विदाउट एनी कंडीशंस, और मीन का फॉर्मूला ओवरऑल कॉलम से मीन निकालता है विदाउट एनी कंडीशंस। अब इसमें अगर हम मैक्स का निकालते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे हाईएस्ट देता है। अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम ही निकालना है लेकिन मुझे टॉप फाइव का निकालना है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, टॉप फाइव निकालना है। कैसे निकालेंगे इसके लिए, इसके लिए फॉर्मूला देंगे यहां पे हम लार्ज का, मैक्स निकालने के लिए लार्ज। तो लार्ज बिल्कुल जो मैक्स फॉर्मूला है उसी की तरह काम करता है, बट पोजीशन के हिसाब से लार्ज निकालता है। जैसे मैंने इसको पूरी की पूरी कॉलम ले ली और इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने लार्ज मैक्सिमम लार्ज आ गया। नीचे करेंगे अब 90 आ रहा है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 94 93 98। तो देखिए सबसे हाईएस्ट इसमें 98 है, तो 98 पहले पोजीशन पर आया, 98 के बाद हमारा 95 है, उसके बाद हमारा 93 है, उसके बाद 90 है। अब यहाँ पे देखें 90 दो बार रिपीटेड है, तो बेसिकली क्या है कि अगर आपकी जो मैक्स हाईएस्ट वैल्यू है अगर वो रिपीट होती है, हाईएस्ट वैल्यू अगर आपकी रिपीट होती है तो वो रिपीटेड दिखेगा। अब कुछ लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों है, तो गलत है, ये गलत नहीं है। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 95% दो लड़कों ने लाया, तो क्या करेंगे, एक का शो करेंगे हाईएस्ट नेम और दूसरे का क्या करेंगे, शो नहीं करेंगे। अगर दो स्टूडेंट सेम नंबर लाते हैं तो उनका पोजीशन सेम होता है या उसके ऊपर नीचे होता है, यही होता है ना सर? जी सर, सेम तो नहीं होता पर ऊपर नीचे होता है। तो इसी तरह से उसको लिस्ट से बाहर तो नहीं कर दिया जाता है, तो सेम इसी तरह से यहां पे शो करता है। तो यहां भी अगर हम बात करते हैं स्मॉल की, तो यहां आप स्मॉल फॉर्मूला लगाइए और स्मॉल फॉर्मूला सेम ही वर्क करता है, इसमें से स्मॉल निकालते हैं, आपकी स्मॉल्स आ जाते हैं छोटे में। तो लार्ज और स्मॉल दो फॉर्मूले। अब की अगली जो टॉपिक है वो ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पोजीशन था तो हमने अपने नंबर्स हाईएस्ट या लोएस्ट निकाल लिया। अगर मेरे पास नंबर हो और मुझे पोजीशन चाहिए कि भाई कितना परसेंट पे आया, मतलब कि मुझे यहाँ पे 85 है, मुझे पता करना है कि इस टेबल पे 85 कौन से नंबर पे आया, मतलब इसका रैंक क्या होगा, तो हमारे पास रैंक का फॉर्मूला होता है। रैंक, रैंक में आपको सिलेक्ट करना होता है नंबर कि भाई कौन सा नंबर है, फिर देना होता है अपने लिस्ट ऑफ डेटा, जो नंबर का डेटा है कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए।
अब पूछता है कि आपको लार्ज वाले पैटर्न पे चाहिए या स्मॉल वाले पैटर्न पे चाहिए, मतलब कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, कि ऊपर टॉप से रैंकिंग चाहिए या फिर आपको बॉटम से रैंकिंग चाहिए। आप उसका 01 सिलेक्ट कर ले और एंटर मारे 15वें नंबर पे, मतलब कि 15 नंबर में यहां दूंगा तो 85 लिस्ट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 के जगह पे 1 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 124, मतलब कि अगर मैं 124 करूंगा तो इस रैंक पे हमारा 85 आएगा नीचे से। तो समझ में आ गया आपको कि आप मैक्सिमम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जी पूजा जी, एंड आपको भी आ गया, हेलो। यस यस